नमाज इसकी हिफाजत करते हैं, आप इसकी हिफाजत करते हैं, अपने माल की तो करते हैं। बैंक में दो बैंक की तरफ से गार्ड है, एक पुलिस की तरफ से सरकारी गार्ड है, ये डाकू आ जाए तो फैर मार देना, इसको लूट भी नहीं जाए। अगर लूट के भी ले जाए तो और फिर पैसे आ सकते आ जाएंगे। ये नमाज जो गई ये दोबारा नहीं आएगी, इसके लिए कोई बॉडी गार्ड रखा हुआ है, कोई गार्ड रखा हुआ है कि जा नमाज का वक्त हो जाए मुझे बंदूक से निकाल देना, चलो नमाज पढ़ो वरना फायर से उड़ा दूंगा। नहीं, कि अल्लाह इतनी कमजोर है, इस तरह के है, इसके लिए कुछ भी कोशिश नहीं। अपने माल के लिए जो हिसाब में मुबतला करेगा उसके लिए हिफाजत है, करनी भी चाहिए। गार्ड रखा हुआ है, चौकीदार रखा हुआ है, बैंक रखा हुआ है, सेफ रखी हुई है, गले रखे हुए, क्या क्या चीजें रखी हुई है, रखनी भी चाहिए। चोर पड़ जाते हैं, डाकू पड़ जाते हैं, रखनी भी चाहिए। बद नजर भी लग जाती है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो नमाज की इसका नहीं करनी चाहिए, सबसे बढ़ के नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। इसके लिए मोबाइल में अलार्म भी लगाना चाहिए, चौकीदार भी रखना चाहिए, किसी घर कल भी कहना चाहिए कि नमाज का वक्त होगा मुझे जगा देना, ना उठूं तो ठंडा पानी डाल देना, फिर तो उठेगा, ठंडा पानी पड़ेगा फिर उठेगा, हाय 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 हाय, तो उससे वो कहेगा तूने खुद ही कहा हुआ था, क्या ना करना ऐसे करना, खुद ही मुड़ जाऊँगा पढ़ लूँगा। वो कहेगा मैंने छोड़ना ही नहीं, मैं अल्लाह से नाम लेना है, तो फिर क्या करता है, नहीं लड़ेगा, कहेगा यार ठीक है पढ़ो, जगा देना। जिसके दिल में खौफ अपने नबी पाक की मोहब्बत होगी वो इसकी हिफाजत करेगा, इसके लिए दुआ भी करेगा, इसके लिए परेशान भी होगा, दुआ कराएगा कि मेरी नमाज सही हो जाए, अल्लाह मुझे नमाज ही बता दे, मिलकर नमाज कजा ना हो। हाँ कभी कभी कजा हो जाए तो फिर उसको कजा पढ़ लो, उसको ज़ाया ना करो। हाँ तो तीन अरकान मैंने